अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रूज लाल रहमान है और मैं जिना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी हूँ। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो कोविड और डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है पिछले 2 सालों से कोविड का पेंडेमिक पूरे दुनिया में आया हुआ है और उससे बहुत जानी नुकसान हुआ है लोगों को। इसके साथ साथ दुनिया भर में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी इसकी तादाद बहुत तेज़ी से फैली है। जो हमारा नंबर था 7वां, वो इस साल नवंबर के एंड में जो रिपोर्ट आ रही है IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की, उसके हिसाब से हम 3रे नंबर पर आ चुके हैं। यानी अब हम चाइना और इंडिया के बाद अब हम हैं। हमने अमेरिका को भी डायबिटीज़ पर मात दे दी है। सो क्वेश्चन एक उठता है कि चूँकि कोविड है, क्या कोविड की वजह से डायबिटीज़ में इजाफा हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायबिटीज़ की? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, कोविड कई तरीक़ों से डायबिटीज़ आपकी शुगर को ख़राब करता है। सो जो बंदा पहले से शुगर का मरीज़ है उसके लेवल्स ख़राब हो जाएंगे बिकॉज आपको फीवर है, बुखार में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। दूसरा, आपका जो मेडिसिन दी जा रही होती हैं कोविड के लिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक दवाई है स्टीरॉइड्स की जो दी जाती हैं सोविड कोविड में, उसकी वजह से शुगर के लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और शुगर बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि वो लोग जिनको शुगर नहीं है या जो प्री डायबिटिक हैं, मतलब जिनके चांसेस हैं शुगर होने के, उनको शुगर हो जाती है अगर उनको कोविड हो। और उसकी वजह एक तो वही कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हैं, दूसरा स्टीरॉइड्स, और तीसरा ये कि कोविड ख़ुद से भी लबलबा पैंक्रियाज को डैमेज करता है। सो कोविड में इम्पॉर्टेंट है बहुत कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोविड हो गया है और आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर का बहुत ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर शुगर ठीक नहीं है तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और इसमें आपको अपनी मेडिकेशंस चेंज करनी होंगी। सो जितनी भी गोलियां आप खा रहे हैं वो बंद करवा के आपको इंसुलिन पर डालना पड़ेगा और इंसुलिन से ही कंट्रोल होगा। और जो लोग डायबिटिक नहीं हैं और उनको कोविड हो गया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना शुगर चेक करवाएं और अपनी शुगर्स के लेवल्स चेक करें। और जो ही अगर उनके लेवल्स हाई आ रहे हैं तो वो इंसुलिन पे ट्रीट हो गए, क्योंकि बाकी जो मेडिकेशंस हैं वो डिहाइड्रेशन और लिवर और बाकी किडनीज पे इफ़ेक्ट करके तो कोविड के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कोविड आपका वैसे ही स्ट्रेस में लिख गया होता है तो बाकी मेडिकेशंस जो हैं डायबिटीज़ की वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो कोविड एंड डायबिटीज़ हाथ और हाथ मिला के चलते हैं और आपके जिस्म पे हमला ज़्यादा जोर का होता है अगर आपको शुगर है या अगर आपको शुगर के चांसेस हैं। सो इन दोनों चीज़ों में अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो गया है तो वो अपने शुगर का बहुत ख्याल रखें। सबसे अहम बात ये कि अपनी खुराक का और अपनी एक्सरसाइज, ये दो चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ें। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अच्छी तर्ज़ी ज़िंदगी की तरफ लाएँ और अपने आप को सेहतमंद बनाएँ। आप सेहतमंद, माशरा सेहतमंद। शुक्रिया।